व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया से मस्त मजेदार फनीएस्ट मीम्स फ्रॉम द चैनल एबी क्रिकेट। वो तो करेंगे साथ में एंजॉय। भाई ने समा बांध रखा आजकल, सही बढ़िया करते हैं एंजॉय। वर्ड थ्री गो। इंडिया फ्रंट रनर चैंपियन ट्रॉफी के लिए इफ पाकिस्तान पुल आउट। इफ पाकिस्तान पुल आउट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सच्ची सच्ची एक बात बताओ मुझे, क्या लगता है पाकिस्तान पुल आउट कर लेगा? हाँ पैसे दे तो कर लेगा। देखो यार, अगर इज्जत है एक्चुअली में, देखो अब इनकी इज्जत बेइज्जती की बात है, अगर कोई शर्म है, कोई इज्जत है, या फिर तुम्हें कोई मर्दाना कोई ऐसा, क्योंकि इन्होंने अभी मीटिंग में भी कहा था ना कि हमें खुददार कौम की तरह डिसीजन लेना पड़ेगा, तो देखो भाई अब तुम्हारा खुददार का पता लगेगा कि तुम हो कि नहीं हो। एज इंडियन हम अगर होते तो हम तो भाई वैसे भी हिल नहीं रहे अपने एक एक स्टांस से। पाकिस्तानी भाई मुझे लगता है ये सच में एक एक कंबल लेके, मुझे लग रहा है ये हाइब्रिड मॉडल मान लेंगे, एक एक कंबल लेके सबसे बेस्ट वे पाकिस्तान के लिए अभी भी चैंपियन ट्रॉफी का मतलब चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का यही है कि वो हाइब्रिड मॉडल मान ले। बट दिक्कत क्या है ना, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में ये हाइब्रिड मॉडल के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ये तो डिस्कशन में ही नहीं है, ये तो हम माने ये तो हम सुनने को तैयार नहीं है। तो भाई अगर ये सुनने को तैयार नहीं हो, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जाता, और अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता और तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानते हो, फिर आईसीसी तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा और फिर उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आईसीसी को ऑप्शन दिया जाए इंडिया या पाकिस्तान किसको चूज करोगे, वो 100% इंडिया के साथ जाएगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाकिस्तानियों को भी ये बात पता होनी चाहिए। रही बात अरे हमारा है हमारी चैंपियन का तुम्हारी कहां से लाए थे तुम, तुमने घर पे बैठ के बनाई थी है? आज तक तुमने अपने देश में एक चप्पल नहीं बनाई, एक सुई नहीं बनाई मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे। बेकार है, जब भी तुमसे पूछते हैं क्या क्या, हम तो जन्नत जाएंगे जन्नत जाएंगे हम तो, अरे जन्नत जाओगे जब तक यहाँ हो तब तक तो कर लो कुछ, जन्नत जाएंगे जन्नत जाएंगे। एक तो इनको कभी टोक लो कभी बोल लो, किसी किसी को पकड़ लो भाई क्या, हम तो जन्नत जाएंगे जन्नत जाएंगे, अरे चले जाइयो जन्नत भाई, चले जाना इंसानी जीवन, चले जाना अभी धरती पे हो, इंसानों के बीच में हो, इंसानों की तरह काहे नहीं बात करते हो यार, ये जीवन तो जी लीजिए। एक बंदे ने पूछ लिया कि भाई वो इंडिया देखो चांद पे चला, जान दो जान दो जान दो, हम तो जन्नत जाएंगे हम तो जन्नत। अरे भैया किस किस को समझाओ यार, तुम्हारे है नहीं कोई यार पढ़ा लिखा यार, कोई कोई तो होगा पांचवी सातवीं दसवीं आठवीं, कोई तो होगा कोई बंदा होता है यार कि हाँ भाई ठीक है यार ऐसी चीजें हैं ये वो। 72 हूर बकरी तुम्हारे साथ ना चलती सीधी होके, हूर 72 चाहिए ले। चलो कोई नहीं ले लो भाई 72 हुरे ले लो, हम तो भाई नॉर्मल से लोग हैं, नॉर्मल से लोग हैं, धरती पर रहते हैं, आलू गाजर की सब्जी खा लेते हैं सर्दियों में, अभी गाजर का हलवा खा लेंगे भाई, दूध खीर खा लेते हैं भाई अपना, बस यही गुजारा चल रहा है भाई, चाय कॉफी पी लेते हैं बस, दो रोटी खाई दाल चावल भाई घिया की सब्जी, बस यही चल रहा है जिंदगी में अपने। तो हूरहार को तो पता नहीं भाई, हूरहार तो नहीं भाई, ना ना हूरहार का तो नहीं पता, वो वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं भाई, लोगों भाई मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को स्टांस अपना रखना चाहिए। yes. देखो पाकिस्तान की ना इज्जत पे बात आ गई है, जो कि उनकी है नहीं फिर भी बात आ गई है इज्जत। मैं बार बार रोज आगे कह रहा हूं कि पाकिस्तानियों अब पीछे मत हटना। भाई लोगों एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पाकिस्तानियों पीछे मत हटना, ये सारे भाई लिखो एक बार। देखो हमें ना मोटिवेट करना पड़ेगा पाकिस्तान को अब कहीं ना कहीं, अगर हम इंडियंस को इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है तो हमें पाकिस्तान को मोटिवेट करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों पीछे मत हटना, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को औकात दिखा दो कि तुम कितने बड़े नल्ले हो, दिखा दो भैंस की आंख औकात, अब पीछे मत हटना भाई, क्योंकि अगर तुम अब पीछे हटे तो फिर तो देखो तुम्हारे लोग ही तुम पे थूकेंगे फिर। अब ये पीसीबी की इज्जत बेइज्जती की बात है भाई, पीछे नहीं हटना तुम लोगों ने, और पैसे वैसे लेके सेटिंग नहीं करनी है कि फिर तुम कहोगे भाई पैसे दे दो, पैसे दीवार तोड़वाई थी हमसे, पूछ के तोड़वाई थी हमसे वो ठेकेदार हमसे पूछ के लगवाया था। और भाई मैं बता दूं वो पाकिस्तान की आर्मी है जो तैयार करवा रही है स्टेडियम। अच्छा उसका बिजनेस ही तो यही है। हमारे मेजर गौरव आर्या साहब है, उनसे ही मुझे पता लगा था कि इनकी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है। वैसे तो पता ही है इनका प्रोफेशनलिज्म, सबको ही पता है, 93,000 वो मालूम है सबको ही पता है। और मैं मजे की बात बता दूं, मेरा जन्मदिन भी उसी दिन का है जिस दिन वो 93,000 हुआ था। एबी फॉर ए रीजन, उन्होंने बताया था इनकी आर्मी साबुन की टिकिया, ब्रेड मतलब ब्रेड के पैकेटों की पैकिंग, ये गटर वाले ढक्कन, किसी की टूटी लगा दी, ये सारे काम करते हैं ये। कभी सुना है तुमने किसी देश की आर्मी स्टेडियम बना रही हो? नहीं सुना ना, ये देख लो
वो बना रहे हैं, कराते हैं ट्रेनिंग ऐसे हालात है भाई लोगों इनके, पीछे मत हटना भाई। मेरा कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानियों अब पीछे मत हटना, अब पीछे मत हटना। देखो क्लियर बता दूं, आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी अपने देश में ही होस्ट करनी है, जज्बा लेके मजबूती, ठीक है, ऐसा मजबूती दिखाओ। हाँ, अगर तुमसे कोई हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात करे, बिल्कुल नहीं मानना तुमने, बिल्कुल नहीं मानना कि ऐसे कैसे कह कैसे नहीं। तीसरा, अगर तुम्हें यह ऑप्शन दिया जाए कि या तो हाइब्रिड मॉडल मान लो, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर भाग जाओ, छोड़ देना है चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। फिर भाई लोगों, इंडिया कराएगी चैंपियन ट्रॉफी अपने, मतलब हम लोग कराएंगे, फिर बीसीसीआई कराएगी इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी, और फिर पाकिस्तानी वहां से यूं देखेंगे दीवार पे चढ़ चढ़ के, छत पे, हैं इंडिया फाइनल में पहुंच गया। अच्छा अच्छा, वो विराट अब्बू ने कितने बना दिए, अच्छा विराट, अच्छा 82 बनाए आज भी, फिर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएगा, क्योंकि हम 2023 वाली 19 नवंबर वाली गलती दोबारा रिपीट तो करने वाले हैं नहीं है। लेकिन ऐसा करेगी पाकिस्तान मेरे को बिल्कुल नहीं लगता, मैं यहां क्लियर कर दूं। ये सारी चीजें ना मर्द लोग करते हैं भाई, मर्द लोग, लिख दो कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करके, मर्द लोग करते हैं, मर्द लोग लेते हैं इतना बड़ा पंगा। इन्होंने हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ने हैं बाद में, जो इंडिया को बाहर करने की बात कर रहे हैं ना, मैं यहां क्लियर कर दूं, जो पाकिस्तानी इंडिया को बाहर करने की बात कर रहे हैं ना बाद में, हाँ मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम बीसीसीआई का कुछ भी पकड़ के झूल जाओगे बाद में, सीरियसली। और पाकिस्तानी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए बाकी इंतजाम रखा हुआ है मैंने, एक एक कंबल तो कहीं नहीं गया तुम्हारा, एक एक कंबल की जिम्मेदारी मेरी, 11 कंबल में मेरा कुछ नहीं जाता, होगा यही, मैंने एक ट्वीट भी किया हुआ है जानबूझ के, ताकि बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लूं, होगा यही, पाकिस्तान होश रहेगा, क्योंकि इनके अंदर इतना गूदा नहीं है कि ये विड्रॉ कर दें भिखारी। उसके लिए भाई आपके अंदर दम होना चाहिए ना, तुम्हारे अंदर ये दम है कि तुम विड्रॉ कर दो, ना तुम्हारे अंदर ये दम है कि तुम इंडिया को बाहर कर दो, ना तुम्हारे अंदर ये दम है कि तुम इंडिया को पाकिस्तान में, इंडिया को तुम पाकिस्तान में बुला सको, ठीक है, इंडिया को भी नहीं बुला सकते तुम, तुम्हारे अंदर यही है, तुम्हें बिस्किट दिखाएगी बीसीसीआई, बिस्किट करके भाग के आओगे तुम, ठीक है, अपनी वो पोटली बांध के फटाफट भाग के आओगे तुम। पाकिस्तान ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, गेट रेडी भिखारियों, गेट रेडी पाकिस्तानियों, द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 टूर, ट्रॉफी टूर किक्स ऑफ इन इस्लामाबाद। अच्छा वो दीवारे मीनार है क्या वहाँ, अच्छा दीवारे मीनार से करेंगे ये 16 नवंबर, ऑल्सो विजिटिंग हैं यार, एक तो पता नहीं लिखवाया कहाँ से इन्होंने ये, सैनिक, सैनिक क्या लिखा ना, सैनिक जो भी सैनिक 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 नहीं नहीं ट्रैवल डेस्टिनेशंस लाइक स्कार्दू हैं, स्कार्दू मुरु, अरे क्या है ये स्कार्दू मुरु, क्या है ये जगह के नाम है क्या तुम्हारे, अच्छा अच्छा जगह के नाम होंगे भाई, तो भाई ये स्कार्दू मुरु हुंजा एंड मुजफ्फराबाद कैच अ ग्लिम्स ऑफ। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जिनको लिख रहे हैं ना भाई, जिनको बता रहे हैं उनके घर में इंटरनेट भी नहीं है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये ट्वीट करके बताते किसको हैं कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। अबे थोड़ा अंग्रेजी हल्की लिखा करो, इतनी भारी अंग्रेजी कौन लिखता है, और 50-52 लोग देखने आएंगे उसका क्या लेना देना। ग्लिम्स ऑफ द ट्रॉफी विच सरफराज अहमद लिफ्टेड इन 2017, हाँ बस हो गई थी हमसे गलती, हो गई थी और क्या, गलती हो गई थी और क्या, चलो जी कोई नहीं, कर लो किक ऑफ कर लो। जैसा नहीं मानता, इंडिया वाला छोड़ दिया है खबर, इंडिया वाली खबर छोड़ दी, अब तुम देखो अब पाकिस्तानी बिलकेंगे कल तक, अब और चीखेंगे चिल्लाएंगे रोना चालू कर देंगे, हमारा क्या है, 2 दिन के बाद कह देंगे नहीं इंडिया में नहीं हो रही, 2 दिन के बाद कह देंगे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी, फिर 2 दिन के बाद छोड़ देंगे अरे नहीं वेस्ट इंडीज होस्ट करेगा, फिर 2 दिन के बाद कह देंगे अरे यार वो वेस्ट इंडीज का तो कैंसिल हो गया, वो यूएई जा रही है चैंपियन ट्रॉफी, तब तक हमारा मैच आ जाएगा पर्थ वाला, ठीक है पहला टेस्ट मैच आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑक्शन आ जाएगा, फिर हमें वैसे भी कोई परवाह नहीं है इन खबरों की, तब तक आईसीसी अपने आप इनके मुंह माथ थेपड़ थुपड़ के दूर कर देगा और अपना मामला सेट हो जाएगा। हाँ तो टुल्ला आज चल गया भाई, बहुत बढ़िया शानदार खेला है भाई ये, मोहम्मद रिजवान ने 15 घंटे पहले ट्वीट किया था माशाल्लाह माशाल्लाह, नंबर नंबर वन बॉलर, नंबर वन बैट्समैन, हाँ सुबहानअल्लाह रह गया भाई उसमें, हाँ माशाल्लाह के साथ सुबहानअल्लाह भी होता है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है होता है भाई, माशाल्लाह के साथ सुबहानअल्लाह भी होता है भाई मेरे ख्याल से, देख लेना भाई ऐड कर लेना कोई बात नहीं भाई, बढ़िया था मीम्स मजेदार थे, लेकिन
ये मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया का मैच होगा पाकिस्तान से बाहर। मैं तो कहूँ ऐसा हो जाए इंडिया का मैच, हम इंडिया में ही खेले और यहाँ पर आना पड़े टीम को खेलने के लिए। मैं तो ये भी नहीं चाहती, लेकिन कुछ भी कह लो पाकिस्तान में इंडिया जाएगी नहीं, ये बहुत अग्रीड अपॉन डिसीजन है। और मेरा नाखून यहाँ पर टूट गया है, इसने बुड़का भर दिया था भैया कल, पूरा हटा दिया हाँ ऊपर से, काटा करना है। लेकिन भाई जिस तरीके से भाई ने स्वाद लिए ना हर एक चीज के, मस्त था। एक वो है ट्रॉफी देखने को आ रहा है 50 सबसे बुरी था जन्नत जाएंगे वो तो अलग ही था भाई, जिससे भी बात कर लो वो हाईलाइट था सही। हाँ मेरे दिमाग से उतर गई वो वाली बात, जन्नत जाएंगे क्योंकि एक तो भाई की वीडियो आप कहीं से भी 10 मिनट भी देख लोगे ना तो इतने सारे की पॉइंट्स बन जाते हैं हंसने के कि आप भूल जाते कौन सा डिस्कस करना था। सही में जो वाला था ना जन्नत जाएंगे जरूर। अरे बकरा तुम्हारे साथ चल रहा, बकरी तुम्हारा चल रही थोड़े से भाई साहब गोजम्मी से गौरव आर्य सर भी सही उतारते हैं, उनकी वीडियोस भी हम रिएक्ट करते हैं ना, मजा आता है भाई ने समा बांध दिया, मजे आ गए। एंड आई एम श्योर लोगों ने भी वीडियो एंजॉय करी होगी। और आज है मैं वही मैं चेक करता था, मेरे को ध्यान आया कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो चौथा T20 है वो आज ही है रात को 8:30 बजे। तो अगर इंडिया जीत जाएगी सीरीज जीत जाएगी, इंडिया हार जाएगी तो लेवल हो जाएगी सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। होपफुली इंडिया जीत जाए यार, मजे आएंगे मैच देखने में। बाकी अपना पॉइंट भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।